सो इस फाइनेंशियल रेशियो सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो है फ्रेंड्स हमारी, और इसमें हम फ्री कैश फ्लो टू सेल्स के बारे में बात करेंगे और एंड में आपको एक क्विक फाइनेंस हैक भी बताएंगे। हमारी इस फाइनेंशियल रेशियोज़ सीरीज़ में इससे पहले हमने जो चार रेशियोज़ कवर किए हैं उसके बारे में आप हमारी पहले की चार वीडियोज़ में देख सकते हैं और जानने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम मूव करते हैं लास्ट हमारे आज के रेशियो पे, विच इज़ कॉल्ड फ्री कैश फ्लो टू सेल्स रेशियो। इट्स अ टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर कैटेगरी का रेशियो है। सो ये रेशियो अगेन टू कैलकुलेट दिस इज फ्री कैश फ्लो डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू और टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी। नाउ फ्री कैश फ्लो कैसे निकालना है, न्यूमरेटर का जो पार्ट है वो है कि आपका जितना भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो आता है कंपनी का, उसमें से अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर दें तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो फिगर निकल के आती है। सो ये रेशियो आपको बताता है कि कितने इफेक्टिवली कंपनी ने अपनी टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू को फ्री कैश फ्लोज में कन्वर्ट किया है। एंड इट्स अ गुड रेशियो कि मैनेजमेंट देखता है इस रेशियो को कितना इफेक्टिव बिजनेस चल रहा है अभी आज के इकोनॉमिक सिनेरियो में। सो यहाँ पे दो तीन चीज़ें इम्प्लीकेशंस हम आपको बताएंगे कि द फर्स्ट थिंग इज़ कि फ्री कैश फ्लो टू सेल्स का जो रेशियो है उसको भी आपको कई साल लाइक 4-5 ईयर्स के लिए ट्रैक करिए कंपनी के लिए, जानने के लिए कि कंपनी का हिस्टोरिकली कैसे बिहेव करा है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक साल का रीसेंट ईयर का फ्री कैश फ्लो रेशियो देखें और वो कम हो तो डजेंट नेसेसरली मीन कि कंपनी इज़ बैड, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने बहुत हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए। तो इस सिनेरियो में फ्री कैश फ्लो, सिंस इट इज़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बूस्ट करती है कंपनी तो उसका फ्री कैश फ्लो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सो इसलिए जब फ्री कैश फ्लो कम हो जाएगा तो द रेशियो, होल रेशियो, फ्री कैश फ्लो टू सेल्स रेशियो ऑल्सो गोज डाउन। बट इसका ये मतलब नहीं है कहीं से भी कि कंपनी इज इन अ बैड सिचुएशन, वो सिर्फ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपने ऑपरेशंस में इन्वेस्ट कर रही है। सो इसलिए ये रेशियो ओवर द टाइम अगर आप देखेंगे तो आपको बेटर पिक्चर मिलेगी कि कंपनी ओवर द ईयर्स किस तरीके से इस रेशियो को मेंटेन कर रही है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आईटीसी का रेशियो, फ्री कैश फ्लो टू सेल्स रेशियो, अराउंड 20% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज विच इज़ अराउंड 6%। सो दिस, जस्ट लुकिंग एट दिस रेशियोज हम ये देख सकते हैं कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आईटीसी इज़ बेटर, इट्स पोजिशन बेटर टू कन्वर्ट इट सेल्स इन टू फ्री कैश फ्लोज अपनी कॉम्पिटिटर्स, अपनी इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स के रिस्पेक्टिवली, इसलिए उसका फ्री कैश फ्लो जो सेल्स रेशियो इज़ हायर देन इट्स इंडस्ट्री एवरेज। सो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक क्विक फाइनेंस हैक बताएंगे, तो चलिए मूव करते हैं और आपको मैं एक छोटा सा क्विक फाइनेंस हैक बताता हूँ। सो ये फाइनेंस हैक इट्स वेरी सिंपल कि अगर जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बी इट एन FD, बी इट एन म्यूचुअल फंड, बी इट ए सिंगल स्टॉक, आप हमेशा एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्ट किया और आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से कि 8% रिटर्न आपको वो देगा। तो यहाँ पे फाइनेंस हैक ये है कि अगर आप 72 को उस रिटर्न नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका पैसा कितने सालों में डबल हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग 8% रिटर्न, टू गेट 8% रिटर्न फ्रॉम दैट इंस्ट्रूमेंट, तो 72 डिवाइड बाई 8 विच इज़ 9 ईयर्स। सो दिस मीन्स एज अ रूल ऑफ थम 9 ईयर्स आपको अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे अपना पैसा डबल करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये फाइनेंशियल रेशियोज़ की वीडियो सीरीज़ में हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आज हमारे फाइनल रेशियो के बारे में हमने बात करी और आई होप आपको फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में अब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और अब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करते समय इसका ध्यान रखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम यहाँ स्मॉल केस यूट्यूब चैनल में काफ़ी सारी फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाए। एंड थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।